मास्टरिंग की जब हम बात करते हैं जनरली आप एक लीनियर फेज एक यूज करते हैं पहले आपने कंप्रेसर डाला है फिर EQ डाला है वो वेरी कर सकता है और आप अपने मास्टरिंग मास्टरिंग इंजीनियर को को एज भेज सकते हैं के लिए इस वीडियो सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं आपके जो गाने अभी ऐसे साउंड करते हैं बिना किसी रियल इंस्ट्रूमेंट के इंटरफेस के माइक्रोफोन के या फिर हाई एंड स्टूडियो मॉनिटर्स के ऐसे साउंड करने लगेंगे तो okay, फाइनली so हम अपने मास्टरिंग के स्टेज पे पहुंच चुके हैं और जैसे आप देख सकते हैं ये कम्पलीटली नया सेशन है ये वो मिक्स वाला सेशन नहीं है मिक्स से हमने ट्रैक एक्सपोर्ट कर लिया था ये हमारे पास एक फ्रेश मास्टरिंग का नया सेशन है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली मिक्स पे जो मैंने प्री मास्टर निकाला था जो मैंने एक्सपोर्ट निकाला था मिक्स प्रोजेक्ट से उसको मैं इस प्रोजेक्ट पे इम्पोर्ट करने वाला हूँ तो ये हमें अभी पूछ रहा है कि इसके अंदर टेम्पो इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑडियो डाल रहे हैं ये लॉजिक का फीचर है कि वो खुद डिटेक्ट कर लेता है मैं कहता हूँ चलो जी इम्पोर्ट कर लो मार्कर्स मुझे नहीं इम्पोर्ट करने और अगर आपके डी में टेम्पो खुद डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है आप जाके खुद यहाँ पे ऊपर सेट कर सकते हैं आपका जो गाने का टेम्पो है सबसे पहले तो सुनते हैं कैसा साउंड कर रहे हैं ओके okay, तो मुझे लगता है प्री मास्टर अच्छा साउंड कर रहा है तो मैंने ये एक स्टीडियो प्री मास्टर निकाला है लेकिन एक दूसरा तरीका जो है वो ये है कि मान लीजिए आप अपने गाने को किसी मास्टरिंग इंजीनियर को दे रहे हैं मास्टर करने के लिए और आप श्योर नहीं है लेवल्स को लेके यानी कि वॉल्यूम आपका ऊपर नीचे लग रहा है वोकल ज़्यादा लग रहा है कहीं पर आपके अनुसार आप श्योर नहीं है तो आप एक चीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेम मास्टरिंग और अगर आपने ये टर्म्स पहले नहीं सुने तो घबराने वाली कोई बात नहीं है सेम मास्टरिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं लेकिन सबसे पहले ये वाला हिस्सा सुनते हैं जो कोरस का सेक्शन था तो यहां पे अगर आपको याद है तो इस सेक्शन में सितार नहीं है जो एक्चुअल में ये वाला हिस्सा था ना जो रीज़न है कि मैंने सितार के फाइल को अलग से निकाला है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ लेवल्स को लेके दोनों के बीच में और मैं ये मास्टरिंग इंजीनियर को ऐसे ही भेजना चाहता हूँ ताकि वो डिसीजन बना पाए कि बैलेंस क्या होगा इनके बीच और आप इनके मल्टीपल हिस्से कर सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल और सितार के दो अलग अलग ऑडियो फाइल निकाले हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप श्योर नहीं है अपने ड्रम बैलेंस को लेके तो एक इंस्ट्रूमेंटल आप निकाल सकते हैं जहां पे बिना ड्रम्स के आप इंस्ट्रूमेंटल निकाले और एक आप ड्रम्स जितने आपके प्रकर्शन हैं उनको एक अलग से एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं एज ऑडियो फाइल और आप अपने मास्टरिंग इंजीनियर को एज स्टेम्स भेज सकते हैं मास्टरिंग के लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्नेयर को अलग भेज दिया किक को अलग भेज दिया आपने एक टेम्परिन को अलग भेज दिया आप एज अ ग्रुप भेजेंगे अगर आपके ड्रम्स के लेवल के आप शेयर नहीं है तो एज अ ड्रम आप बाउंस करेंगे अगर आप गिटार्स शेयर नहीं है तो एज गिटार्स भेजेंगे आप लेफ्ट गिटार अलग राइट गिटार अलग इस तरीके से स्टेम्स टेग्रीगेशन करके नहीं भेजेंगे अपने इंजीनियर को और एक मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग स्टेम मास्टरिंग करते हैं वो है लेवल्स यानी कि वॉल्यूम और जनरली मैं एक स्टीरियो मास्टर प्रेफर करता हूँ स्टेम मास्टरिंग से अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे एक स्टीरियो फाइल एक्सपोर्ट करके दे दो अपने मिक्स का उस पर हम मास्टर करेंगे लेकिन अगर मैं लेवल से सेटिसफाइड नहीं हूँ वॉल्यूम या बैलेंस सेटिसफाइड नहीं हूँ तो मैं कहूँगा कि आप मुझे स्टेम्प एक्सपोर्ट करके दे दें और उसमें मैं स्टेम मास्टरिंग करूँगा और जनरली स्टेम मास्टरिंग थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है क्लाइंट के लिए और अगर हम स्टेम मास्टरिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो स्टेम मास्टरिंग में जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो है कि आपको इनको मिक्स की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे लग रहा है कि इस सितार पे कुछ मुझे चेंज करना है तो मैं इस सितार पे जाता हूँ एक ई क्यू डाल के कुछ इनसेन कट वगैरह मैं करने लग जाता हूँ फ्रीक्वेंसीज काटने लग जाता हूँ तो उस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है स्टेम मास्टरिंग मेनली आप वॉल्यूम के साथ काम करेंगे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सितार थोड़ा सा दब रहा है तो आप जाके इसके वॉल्यूम को चढ़ा सकते हैं हल्का फुल्का ताकि वो अपफ्रंट निकल के आए और जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि मास्टरिंग एक आर्ट है सटल चीज़ों का यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ को चेंज करना है तो जाके आप बहुत एग्रेसिवली या बहुत ड्रास्टिकली नहीं करते आप पाँच छः डिबी चेंज नहीं करते बारह डिबी चेंज नहीं करते आप हल्के फुल्के चेंजेस करते हैं और यही खूबसूरती है मास्टरिंग का और अगर स्टेम मास्टरिंग की बात कर रहे हैं और आप एफेक्ट्स यूज करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल ट्रैक्स पे जाके एफेक्ट्स नहीं डालेंगे आप अपने स्टीरियो आउट पे जाके आप अपने एफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी के लिए हम स्टीरियो पे काम करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं और अगर हम मास्टरिंग की बात करें सबसे बड़ी चीज़ जो लोग नहीं समझते हैं वो है हियरिंग क्या आप एक्चुअल में चीज़ें सुन पाते हैं क्या आपके कान काम कर रहे हैं क्या आपको पता है कि क्या ज़रूरत है उस ट्रैक पे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो मैंने वहाँ पे भी कहा कि आपको एक दिन ब्रेक लेना चाहिए जब आप अपने प्री मास्टर को एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद ताकि आपके कानों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले एक फ्रेश आप तरीके से सोच सके इसके अलावा जो अलग चीज़ मैटर करती है मास्टरिंग में वो है स्पीकर्स अगर आप एक स्पीकर्स में अपने म्यूज़िक को सुनते हैं तो वो ज़्यादा रियल इमेज है कंपेयर टू अ पेयर ऑफ हेडफोन्स ना अगर आपके पास स्पीकर्स नहीं है तो आपको हेडफोन पे ही काम करना पड़ेगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता मास्टरिंग के लिए लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने मास्टर सही है कि नहीं ये देखने के लिए वो है कि आप अलग अलग जगह जाके चेक कर सकते हैं आप अपनी गाड़ी पे सुन सकते हैं अपने दोस्त के हेडफोन पर सुन सकते हैं अपने घर के स्पीकर पर स्टीरियो सिस्टम पर अलग अलग जगह पर जाके सुन सकते हैं बेसिकली जस्ट टू मेक श्योर कि आप गलत नहीं कर रहे हैं अपने गाने को ले कर ना टॉकिंग अबाउट द मास्टर जिस तरीके से आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे वो है कि आप एक रेफरेंस ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे शुरुआत के लिए और ऑब्वियसली आपको एक मास्टर ट्रैक लेना है यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं ये मेरा अपना गाना ही है मास्टर ट्रैक है जैसे आप देख सकते हैं लेकिन ये आपने नहीं करना है आपको अपना गाना नहीं लेना है मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट राइट इशू नहीं तो आ सकता है मेरे यहाँ पे तो मैं उसके लिए अपना गाना यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आपको कभी भी जाके अपने गाने को रेफरेंस नहीं लेना चाहिए आपको किसी ऐसे गाने को रेफरेंस लेना चाहिए जहाँ से आप सीख सकें जहाँ से आपको सिमिलर लगता हो आपको वाइव आपके अपने गाने जैसा आपको वाइव लगता हो लेकिन कमर्शियल रिलीज गाना हो अगर हम एक्चुअल प्रोसेस की बात करें मास्टरिंग का तो सबका तरीका अलग होता है और मेरा भी तरीका वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि कैसा गाना है किस तरीके का गाना है और मेनली जो फर्क आ जाता है वो है कि कौन से प्लगन्स आप यूज करें ऑब्वियसली साथ में आपका जो सिग्नल चेन है यानी कि आपने किस तरीके से यहाँ पे प्लगिन डाले हैं पहले क्या आपने ई क्यू डाला है फिर उसके बाद में कंप्रेसर डाला है या पहले आपने कंप्रेसर डाला है फिर ई क्यू डाला है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग और उसको क्या जरूरत है तो सबसे पहले तो सुनते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे पीक लेवल की बात करें ना तो माइनस फाइव के आसपास ये जा रहा है जो थोड़ा सा ज़्यादा है मैं जनरली माइनस सिक्स पर रखना चाहता हूँ अपने गाना बट इट्स फाइन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता ना तो मैं इसको पहले तो वॉल्यूम इसका नीचे करता लेवल्स नीचे करता एक ट्रिम प्लग का इस्तेमाल करते हुए या फिर गेन प्लग का इस्तेमाल करते हुए और बेसिकली मैं इसके वॉल्यूम को नीचे करता बट क्योंकि हमारा मिक्स ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगा इस सिचुएशन पर जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा वो है एक कंप्रेसर लेकिन हम कंप्रेसर को क्यों डालेंगे ये जानना बहुत जरूरी है मास्टरिंग में तो शुरुआत के लिए अगर आप देखें ना तो ये आपके पीक्स है छोटे छोटे जो डंडे आपको ये देख रहे हैं ये आपके पीक्स हैं आपके ट्रैक में और ये आपके ओवरऑल गाने में डायनामिक्स बरकरार रखता है यानी कि आपके गाने को डायनामिक्स ये पीक्स और ही बनाते हैं अगर मैं इन डंडों को फ्लैट कर ना तो आपका गाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा डायनामिक के मामले में ये तो अच्छी बात है डायनामिक्स के बारे में लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि आपका गाना अगर बहुत ज़्यादा डायनामिक हुआ यानी कि उतार चढ़ाव अगर बहुत ज़्यादा हुआ पीक और एवरेज में बहुत फ़र्क हुआ तो आप उसको बहुत लाउड नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके जो पीक्स हैं वो बहुत जल्दी सीलिंग को टच कर लेंगे और क्योंकि हम सबको पता है कि लाउडर जो है वो बेटर होता है इसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि ट्रैक्स को जितना हो सके उतना लाउड बनाए ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अगर मैं अभी इसको इसी तरीके से लाउड कर दूं तो ये जो पीक्स हैं ये बहुत जल्दी ऊपर सीलिंग को टच कर लेंगे जिससे आपका ऑडियो फटने लग जाएगा बहुत आसानी से तो जो तरीका है ना वो ऐसा है कि मैं पहले इन डंडों को इन पीक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक सी एल का यूज़ करता हूँ बहुत मिनिमल रेशियो रखेंगे फास्ट अटैक फास्ट रिलीज़ क्योंकि हम पीक को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं देंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन है जैसे आप सुन सकते हैं गेंद पे भी मेरे ख्याल से बहुत फर्क है मैं शुरू करता हूं इस इनपुट को कम करते हुए यानी कि कंप्रेशन को मैं कम करता हूं ना मेरी कोशिश है कि मैं एक से दो डिबी कंप्रेस करूं और आउटपुट को मैं इसीलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं ओवरऑल आउटपुट में फ़र्क नहीं लाना चाहता सेम रखना चाहता हूं और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं सिर्फ इन पीक्स को हल्का टच कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं इनको एकदम फ्लैट करना चाहता हूँ जिससे डायनामिक्स बिल्कुल हमारे ख़त्म हो जाए यहाँ पर और आपको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल टेरिबल आइडिया है नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपके समझ के लिए मैं हर प्रोसेस के बाद इसको फ्रीज करते हुए बाउंस करते हुए चलूंगा ताकि आपको विजुअली दिखे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस ट्रैक में इस प्रोसेस के बाद और आप जाके एक ही ट्रैक पे सारे प्लगइन्स लोड कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बाउंस कर रहा हूं तो अभी अगर आप देखें जो ये सेकेंड हमारा बाउंस हुआ है ना ये थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल है कंपेयर टू द फर्स्ट वन साउंड गुड अभी अच्छा साउंड कर रहा है दूसरी चीज़ जो है इसके बाद आप डालना चाहेंगे वो है एक ई लेकिन कौन सा ई आप इस्तेमाल करेंगे मास्टरिंग की जब हम बात करते हैं जनरली आप एक लीनियर फेजिक यूज़ करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो मैं यहाँ पे कोई टारगेट सेट करना नहीं चाहता कि आप मुझे 500 लाइक्स दो थाउजेंड लाइक्स दो बट अगर आपको जेनुइनली इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है प्लीज़ जाए नीचे कमेंट करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को भी पता चले कि वीडियो जेनुन है और आपकी इससे मदद हो रही है मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर